गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, अभी तक अपन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। आज से स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आता है अपने को पता है। अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, अपन सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, अपन कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, ये सब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाती है तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, और जब भी कभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कहने का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो इनका हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है और अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम होता है। ये ऑर्डर लिखेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यों, ऐसा क्यों कि हाइड्रोकार्बन से तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऐसा क्यों, और एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कम होता है। तो देखिए, जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या एसोसिएशन है, वो कितना जल्दी से ऊपर उठता है जब हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या उसका एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएशन अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना इंटरेक्शन में है, इफ इट इज हैविंग द मोर इंटरेक्शन, या मैं बोलूं स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑलवेज मोर बिकॉज वी नीड टू हीट मच। जबकि अगर किसी का एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूल, इसका मतलब अपन एक चीज देख लें, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को पता लग जाए कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है, तो अपन आराम से बॉइलिंग पॉइंट को, ये ऑर्डर जो है इसको समझ सकते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और या मैं बोलूं ROH एल्कोहल, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या मैं बोलूं ROH दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये जब एसोसिएशन में होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। कहने का मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच्ड वाया द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरीके से अल्कोहल। अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर बात करूं, मतलब ये किसी बर्तन के अंदर है और कार्बोनाइल कंपाउंड अगर पड़ा हुआ है, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब मिक्सर नहीं बोल रहा हूं मैं एल्डिहाइड और कीटोन, नो, या तो एल्डिहाइड का ही टेस्ट ट्यूब के अंदर या कोई भी बोतल के अंदर या तो एल्डिहाइड ही है या कीटोन ही है। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड या कीटोन कोई सी भी की, एल्डिहाइड के लिए लिखूंगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ एच कौन से इंटरेक्शन में होगा। देखिए, अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो क्या इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा किसके बीच में होती है, ऐसे हाइड्रोजन जो NOF या मैं बोलूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उनके बीच में कोई हाइड्रोजन आता है तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसका मतलब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। अब अगर बात आती है कि इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, तो है कोई भी मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होता है, देयर आर मेनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं देखूं तो कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, आप क्या बताते हैं। देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है,
डाइपोल मोमेंट है। क्या है इस मॉलिक्यूल के अंदर? बिल्कुल डाइपोल मोमेंट है, इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और जब इस एल्डिहाइड की बात करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है, वांडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का ही एक पार्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार तरीके के होते हैं, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स। ये चार पांच तरीके के मैंने आपको पदार्थ हैं। इसके इस एल्डिहाइड का इस एल्डिहाइड के साथ इंटरेक्शन जब होगा तो इंटरेक्शन कैसे होगा? ये मैंने नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इसका नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन, इसके पॉजिटिव का इसके नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन, इस तरीके का इंटरेक्शन रहता है। और डाइपोल डाइपोल हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन के अंदर भी वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CH3, ये दूसरे CH3CH3 मॉलिक्यूल के साथ किस इंटरेक्शन में है? जस्ट लंदन फोर्स। तो जो सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वीकर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, मेजोरिटी में ऐसा बोला जाता है। खाली एक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आयन डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन इन तीनों के अंदर ही आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, आयन डाइपोल अब इन तीनों के अंदर कंपैरिजन करें तो डाइपोल डाइपोल ये जो इंटरेक्शन है ये कौन सा है? डाइपोल डाइपोल। ये जो इंटरेक्शन है ये लंदन फोर्स एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ, और इसके अंदर इसका जो इंटरेक्शन में ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयन डाइपोल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद सेकंड नंबर पे आता है। वैसे मेजर जब जनरलाइज किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बताया जाता है, लेकिन फिर भी अगर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी देखें तो एक आयन डाइपोल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो एनी हाउ यहां तो आयन डाइपोल कोई है नहीं, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल डाइपोल से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन ज्यादा है, हीट ज्यादा करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल, एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मच इंट्रैक्टिव देन लंदन फोर्स। तो इन तीनों के अंदर जब इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा तो होता है एसिड एसिड या एल्कोहल एल्कोहल के अंदर, उसके बाद में कार्बोनाइल कार्बोनाइल के अंदर, और उसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। यही ऑर्डर मैंने यहां पे आपको लिखाया है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद आती है सोल्युबिलिटी का ऑर्डर, और जब सोल्युबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो अपने को पता है किसी भी मॉलिक्यूल की सोल्युबिलिटी अपन किस में देख के बताते हैं? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जब सोल्युबिलिटी देखते हैं तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो स्मॉलर होते हैं वो ज्यादा सोल्युबल होते हैं, और जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? कम सोल्युबल होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी। देखिए सोल्युबिलिटी के अंदर क्या करते हैं कि सोल्युबिलिटी जब भी देखते हैं वी सी इन वाटर, जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी देखी जाती है वाटर के अंदर देखते हैं, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं ये ज्यादा सोल्युबल होते हैं। बिगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट जब बढ़ता जाता है, जब ऑर्गेनिक पार्ट जब बढ़ेगा तो क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट नॉन पोलर होता है, जब नॉन पोलर होता है तो वो
उसकी सोलिबिलिटी कम होती है। तो कहते हैं कि एल्डिहाइड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये तो होते हैं, और एसीटोन, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ये तो होते हैं सोल्यूबल, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन इनसे बड़े, इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीस कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वी इंक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। और सोल्युबिलिटी क्यों, इसकी इनके अंदर सोल्युबिलिटी क्यों है वो कोई बताएगा मुझे? बोल रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होते। तो सोल्युबिलिटी का रीजन आपको बोलना है कि सर ये जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीज मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती चली जाती है जब इस सी एच थ्री को आप बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर पार्ट को आप बढ़ा रहे हैं, और जब नॉन पोलर पार्ट को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पड़ता है। आपने पढ़ा है ना पहले भी, हाइड्रोकार्बन के अंदर जब कार्बन चेन बढ़ाते हैं तो उसको अंदर नॉन पोलरिटी बढ़ती है, और जब नॉन पोलरिटी बढ़ती है तो उसकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर ऑटोमेटिकली कम होती है। वैसे ही वाटर ज़्यादातर किनको सोल्युबल करता है? पोलर कंपाउंड्स को। पोलर पोलर को डिजोल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजोल्व करता है। आए बात समझ, आप इसके अंदर ये पोलर ही है क्योंकि इसके अंदर डायपोल मोमेंट है, लेकिन अगर नॉन पोलर पार्ट को बढ़ाएंगे तो नॉन पोलरिटी बढ़ेगी, और जब नॉन पोलरिटी बढ़ेगी तो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बट जो भी सोल्युबिलिटी है वो किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ड्यू टू, लिख लेना, ड्यू टू एच बॉन्डिंग दीज स्मॉलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर सोल्यूबल। और एक और लिख लेना, चार होते हैं, एक होता है सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी सोल्यूबल ही होता है। एक, दो, तीन और चार, ये सारे। और एक और पॉइंट लिख लेना कि अपन अगर कार्बन चेन बढ़ाते जाते हैं, ये कार्बन चेन अगर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीजेस होगी। तो वो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, इफ इंक्रीज द कार्बन चेन सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसे ये होती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी लंबा चलेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आया बात समझ में? तो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए,
अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप पहली चीज तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज से समझते क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कहने का मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ये सब चीज़ों की अपन ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कोई भी अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच या फिर मैं बोलूँ आर डैस, ये है, दिस कैन बी एल्डिहाइड, दिस कैन बी कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ये किस तरीके की रिएक्शन देता है, सबसे पहले हमेशा याद रखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड ऑलवेज गिव करेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली चीज लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देखिए मैं कार्बोनाइल लिखता हूं मतलब मैं एल्डिहाइड बोल दिया है, मैंने कीटोन बोल दिया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव्स करैक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये चीज है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कार्बन एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह, और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है तो कोई भी स्पीसीज आती है रिएजेंट से, उसका कौन सा पार्ट पहले आता है, न्यूक्लियोफाइल का पार्ट। आप बोलेंगे कि अपन सर इसको अगर इसके इस सेंस में बोल रहे हैं आपकी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो यहाँ रिएजेंट का, रिएजेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो अपन न्यूक्लियोफाइल को पहले भेजते हैं। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को पहले क्यों नहीं भेजे, और यहाँ पे दिमाग में तो आता है इलेक्ट्रोफाइल को पहले इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वी डील विद द कार्बन, सिंस वी आर रीडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या मैं प्रैक्टिकल की भी बात करूं, इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और ये कार्बन की रिएक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स वो पहले न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा बजाय की ऑक्सीजन की। आए बात समझ, ये तो हुआ है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जब भी रिएजेंट अटैक करता है इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, कितने स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है और कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कभी रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, अगर मेनी स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है तो कोई एक स्टेप होता है जो आरडीएस स्टेप होता है, आरडीएस मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसकी वजह से पूरी रिएक्शन की रेट को मापा जाता है, रेट को स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। वो बहुत ही स्लो स्टेप होता है और रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। आया बात समझ में? तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे, ये लिख उतार लिया, उसको मैं एक इक्वेशन के रूप में, रिएक्शन के रूप में दिखा देता हूं। कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करवाई गई है न्यूक्लियोफाइल के साथ। जब कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल या मैं बोलूँ रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है ENU, तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, जो ही ये स्टेप फर्स्ट में होती है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक क्यों किया, क्योंकि मैंने ही आपको बोला कि जब भी रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है जिसके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनलिटी है, पहले रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल पार्ट अटैक करता है। आया बात समझे? ये जो ही अटैक करेगा आ जाएगा आर सी ओ माइनस एन यू एच और आर डेस स्टेप फर्स्ट, और ये जो स्टेप होता है ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होता है, मतलब ये इससे ये भी आता है और इससे ये भी आता है, आरडीएस होता है जिसको बोलते हैं आरडीएस रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और जब रिवर्सिबल स्टेप होता है तो कौन सा ज़्यादा बनेगा कौन सा कम, तो हमेशा ये जो है ना,
इधर ये ज्यादा रहेगा और इधर मैं दिखाता हूं कम। स्टेप सेकंड के अंदर देखेंगे, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, स्टेप सेकंड आ जाएगा आर सी ओ ई एच एन ई, ये आएगा सेकंड स्टेप के अंदर। और अगर मैं यहां पे एच प्लस लूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह एच प्लस आ जाएगा, अगर यहां पे ई एन यू में ई क्या है एच है तो स्टेप सेकंड के अंदर हो गया। और ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप, ये देखना। अब देखिए मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में था, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था, विल गेटिंग कन्वर्ट इनटू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन एटम। ये है एस, ये जो सबस्ट्रेट है ये sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है इसके लिए, कि ड्राइविंग फोर्स क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड बन रहा है, ट्राई कोऑर्डिनेटेड से टेट्रा कोऑर्डिनेटेड बन रहा है, आया बात समझे। ये हुआ। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अब सिंपल सी बात आती है कि वाटर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जब वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो एल्डिहाइड और कीटोन तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, तो इनके साथ किस तरीके से वो रिएक्शन करेगा वो देखेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये उतारिए पहले, हो गया। अब देखिए अगर वाटर के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिएक्शन तो मैं रिवर्सिबल तरीके से ही बोल रहा हूँ, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, आरडीएस स्टेप, आरडीएस होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, लिख लेना। रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये देखिए वाटर के साथ एक एग्जांपल बताता हूं, और कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं, जेमिनल अल्कोहल फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं, और कौन कौन से कंपाउंड के अंदर वो स्टेबल होती है और कौन से के अंदर नहीं होती है वो देखेंगे अपन। तो हेडिंग डालिए रिएक्शन विद वाटर। जब भी कभी, कहने का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन when react with water, water के साथ reaction करते हैं gives geminal diol, geminal diol देते हैं, geminal diol बोलूं या मैं बोलूं 1,1 diol, और मैं इसको बोल सकता हूं 1,1 diols, ये देते हैं। और 1,1 डायोल्स इन जनरल क्या होते हैं, जनरली अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं स्टेबल उनका भी एग्जांपल अपन देखेंगे, ये क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ, इसका वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर न्यूक्लियोफाइल है एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, ये ऊपर की तरफ जाता है सी ओ माइनस ओ एच टू ये, और जो ही आएगा इसका एक हाइड्रोजन हटके, कहने का मतलब ये क्या है एच और एच यही है, इसके ऊपर चला जाता है बन जाएगा ये, और ये यही तो है, ये क्या है
जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल ये क्या होती है, रिवर्सिबल स्टेप होता है ये, आया बात समझे। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड के अंदर, ये अगर मैं इक्विलिब्रियम के अंदर देखूं तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट रहेगा इधर शिफ्ट रहेगा, वो डिपेंड करता है ये क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए देखेंगे। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इक्विलिब्रियम किस चीज पे ऊपर डिपेंड करता है, तो एक पॉइंट और लिख लेंगे, दिस इक्विलिब्रियम will be depend upon electronic and steric factor in substrate के ऊपर, किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हैं और क्या इसके अंदर स्टेरिक फैक्टर हैं, इन इन चीजों पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, आया बात समझे। ये चीज है, इसको इस तरीके से भी लिख लेना, इक्विलिब्रियम द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऐसा लिख लेना, द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम will be depend upon electronic and steric factor in substrate, ऐसे। तो देखिए एग्जाम्पल देता हूँ तीन, ये हो गया, यहां पे लिख लें, this reaction is reversible, तो देखेंगे एक है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, एक है एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन और एक है कीटोन के साथ रिएक्शन, तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन मैं बता देता हूँ, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन, H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाता है COH, OH, H और H, ये कंपाउंड बनाएगा। इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंप्लीटली इधर शिफ्ट रहता है, कहने का मतलब 99.9% इधर शिफ्ट होता है। इसके अंदर देखेंगे जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, तो ये बनाता है CH3COH, ये बनाता है, मतलब इसके अंदर ज्यादातर किधर शिफ्ट रहेगा, इधर 58% इधर रहेगा। इसके अंदर देखिए मैक्सिमम इधर शिफ्ट रहेगा, उधर बहुत कम रहेगा, क्यों, क्योंकि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाता है, COH, अब आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं CH3 CH3, मतलब इस तरीके के एक कार्बन के ऊपर दो, जब एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ और उनके ऊपर जो OH होते हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इनका जो परसेंट होता है वो अराउंड 1-2% ये मान लीजिए होता है इक्विलिब्रियम इधर की तरफ शिफ्ट, इसमें इक्विलिब्रियम इधर की तरफ शिफ्ट होता है 99.9, इसमें इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होता है अराउंड 58, इसमें होता है 1-2% इधर, बाकी सारा क्या होता है उधर, कहने का मतलब वाटर इसके साथ रिएक्शन करता है लेकिन वापस से बैकवर्ड रिएक्शन में मूव करता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो रिएक्शन कैसे होगा जिसके अंदर कई बार इसका OH कंपाउंड OH ग्रुप बनता है वो भी स्टेबल होती हैं, कई बार इनके अंदर ये ग्रुप वाले रिएक्शंस भी स्टेबल होती हैं, तो वो कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं, जैसे एक तो ये और कई बार ड्राइविंग फोर्स भी होता है रिएक्शंस के अंदर, तो वो सबस्ट्रेट लिखेंगे, जैसे क्लोरल है, क्लोरल के अंदर क्या होता है कि हमेशा डाईओल जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है बजाय कि
कीटो। इसी तरीके से एक होता है इंडेन, इंडेन के अंदर भी इंडेन कार्बोनाइल फंक्शनलिटी कंटेन करता है, इंडेन में भी उसकी डायोल फंक्शनलिटी ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय की कार्बोनाइल। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर डाइओल मतलब कंटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो देखेंगे मतलब इसको हाइड्रेटेड होने की कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रेट बनाएगा अपना, तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए, अगर दोनों के बारे में बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड ज्यादा जल्दी हाइड्रेट्स बनाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू मेक्स हाइड्रेट्स, एल्डिहाइड हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू मेक्स हाइड्रेट्स। अब ये हाइड्रेट ज्यादा किसमें बनते हैं, कम किसमें बनते हैं, देखिए कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, कहने का मतलब यहां पे एक जुड़ा है R और ये R अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इसकी हाइड्राइड बनाने की, इसकी हाइड्रेट्स बनाने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, और जितना ज्यादा पुलिंग का होता है उतना हाइड्रेट ज्यादा बनता है। तो मैं लिख देता हूं हाइड्रेट्स फॉर्मेशन इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, और दूसरा पॉइंट में लिख लेना हाइड्रेट फॉर्मेशन डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट। ये आया बात सुने। अब देखिए दो एग्जाम्पल डिपेंड बताता हूं, एक होता है क्लोरल और एक होता है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि किसके अंदर कौन सा हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं करता, उनके अंदर क्या ड्राइविंग फोर्स होता है वो देखेंगे। तो देखिए क्लोरल एंड इंडेन, इंडेन होता है 1, 2, 3 ट्राइओन्स, क्लोरल एंड इंडेन आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स विच आर मोर स्टेबल इन हाइड्रेट फॉर्म, या मैं बोलूं डायोल फॉर्म देन कीटो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इन जनरल कीटो ज्यादा स्टेबल होती है जनरलाइज वे में अगर बोला जाए, लेकिन क्लोरल और इंडियन एग्जाम्पल है जहां कीटो से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए ये उतारिए, अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में पढ़ते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फोन एफ ओ एन, बस ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के दो, मतलब हाइड्रोजन इनके बीच में आता है तो ही अपन देखते हैं। कभी कभी क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और क्लोरल के अंदर वैसे ही होता है। क्लोरल क्या होता है देखिए सीएल Cl, Cl, C double bond O H, इसको बोलते हैं क्लोरल। इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो ये वाटर क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है और बना देता है सी सी एल, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ सी ओ एच ओ एच और यहाँ आ जाता है H।
तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है ये इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये हाइड्रोजन, इसको ऐसा लिख लेना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन से है, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस दिस डाइऑल फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये आता है। आया बात समझ? इस तरीके से, इसी तरीके से एक होता है इंडेन, इंडेन के लिए देखेंगे। ये हो गया, क्यों? क्योंकि क्लोरल के या हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज रखती है इसको, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा। मुझे एक बात बताइए, वाटर का इस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करना है तो आपका नॉलेज क्या कहता है, ये और ये, इन तीनों में से इस न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करेगा, सोच के बताइए मुझे। ये क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ है, ये खाली एक ही तरफ से। आया बात समझे? बेंजीन है ये, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। अगर इस पे करता तो एक ही विड्रॉइंग का काम करता, ये भी करता लेकिन ये दूर है। तो जब मैं इसको अटैक करूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में बना देता हूं ये, ऐसा बना दिया। और ये भी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडेन एग्जिस्ट इन वॉटर इन हाइड्रेट फॉर्म, हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ऐसे। ये हुई इसके सिंपल वॉटर के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन। कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रेट फॉर्म में ऐसे इंडेन हुआ, क्लोरल हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ। ये क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये मैंने बताया। जनरल इंट्रोडक्शन, कौन सा आरडीएस स्टेप होता है, ये मैंने बताया। कार्बोनाइल कंपाउंड करेक्टरिस्टिक रिएक्शन देते हैं, ये मैंने बताया। ये हुआ, आया बात समझे? इसको उतारिए,